मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की स्थापना गुहादित्य, गुहिल आ गया ना यहाँ पे गुहादित्य, इसको गुहिल के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में, तो गुहादित्य गुहिल के द्वारा किस वर्ष में की गई थी। सबसे पहले हमारा एक इसके अंदर एक मेन पॉइंट भी निकल रहा है, क्या है कि मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की स्थापना गुहादित्य के द्वारा किस वर्ष को हटा दो क्या है ना की गई थी। तो जो मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना है, गुहिल वंश की नींव है, वो किसके द्वारा डाली गई थी, ये क्वेश्चन के अंदर ही आ रहा है, गुहादित्य गुहिल के द्वारा डाली गई थी। तो गुहादित्य के द्वारा मेवाड़ में क्या किया गया था, गुहिल वंश की स्थापना की गई थी। ओके, तो अभी इसमें पूछा गया है कि मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की स्थापना गुहादित्य के द्वारा किस वर्ष में की गई थी, तो ये भी हम देखते हैं। ठीक है, तो किस वर्ष में की गई थी, ये हमारे ऑप्शन है, पहला है 566 ईस्वी, सी है बी है 577 ईस्वी, सी ऑप्शन है 596 ईस्वी और डी ऑप्शन है 621 ईस्वी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो गया 566 ईस्वी। मेवाड़ में गुहिल वंश के शासन की स्थापना है वो गुहादित्य के द्वारा की गई थी और किस वर्ष के अंदर की गई थी, 566 ईस्वी के अंदर की गई थी। फिर जो गुहादित्य है इसको क्या माना जाता है, मेवाड़ के गुहिल वंश का संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि मेवाड़ वंश में गुहिल वंश की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी, गुहादित्य गुहिल के द्वारा की गई थी। तो इसको क्या माना जाता है, मेवाड़ का संस्थापक भी माना जाता है। ओके, और फिर जो गुहादित्य है इसको गुहिल के नाम से भी जाना जाता है और इसके जो वंशधर है, इनके जो वंशज है, इनका गोत्र किसके नाम से पड़ा था, गुहिल के नाम से रखा गया। ठीक है, तो इनके जो वंशज है वो आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुए, गुहिल के नाम से विख्यात हुए, क्योंकि इनके जो गुहादित्य था वो प्रथम शासक था गुहिल वंश का। ओके, और इन्हीं के नाम के ऊपर इनका जो वंशधर है वो विख्यात हुआ। ओके गाइस, फिर गुहादित्य के माता पिता कौन थे वो हम देखते हैं। तो गुहादित्य के माता पिता कौन थे, गुहादित्य या गुहिल, और इसी के नाम पर इनके वंशजों को जाना जाता है, गुहिल के नाम से जाना जाता है इनके वंशजों को। तो इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता थे शिलादित्य। गुहिल के पिता का नाम था शिलादित्य और इनकी माता का नाम था पुष्पावती, पुष्पावती इनके माता का नाम था, किंतु इनका जो लालन पालन है यानी कि दायमा बोल सकते हैं, ठीक है, तो इनका जो लालन पालन है वो किसके द्वारा किया गया था, कमलावती नामक ब्राह्मणी के द्वारा किया गया था। इनका जो लालन पालन है, इनके पिता का नाम था शिलादित्य, इनकी माता का नाम था पुष्पावती और इनका लालन पालन है वो कमलावती नामक ब्राह्मणी के द्वारा किया गया था। ओके, तो क्लियर हुआ, मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, गुहादित्य को माना जाता है और इनके वंशजों को भी इन्हीं के नाम से, इनके वंशज वो विख्यात है यानी कि गुहिल के नाम से जाने जाते हैं इनके वंशज। फिर इनके पिता का नाम था शिलादित्य, इनकी माता का नाम था पुष्पावती और इनका लालन पालन किसके द्वारा किया गया था, कमलावती नामक ब्राह्मणी के द्वारा किया गया था। फिर गुहिल वंश की जो स्थापना है वो कहाँ किस वर्ष में की गई थी, 566 ईस्वी के अंदर की गई थी।